जिला मुख्यालय के पुराना बस अड्डा परिसर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री और स्थानीय सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की संस्था प्रयास द्वारा मेगा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। देशभर के नामी स्वास्थ्य संस्थानों से आई चिकित्सकों की जंबो टीम ने सैकड़ों लोगों की सेहत की जांच की। चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक लोकसभा सदस्य के क्या क्या दायित्व होते हैं, ये अनुराग सिंह ठाकुर ने देश भर के तमाम सांसदों को बताया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की संस्था द्वारा करीब 4 साल पहले एक प्रयास शुरू किया गया था। 4 वर्ष की अवधि में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन केंद्रीय मंत्री और उनकी टीम ने असंभव को संभव करके दिखाया है, जिसका नतीजा ये है कि आज प्रयास संस्था के प्रयास केवल मात्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के दुर्गम इलाकों में भी पहुंच रही हैं, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में मिल रहा है। मैं इस प्रयास को और एक नाम देना चाहता हूं, सफलता। पूरा प्रयास आज 4 साल के बाद भी हम सफल रूप में देख रहे हैं। वैसे बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि 4 साल में ही जो निश्चित हमको रूप था, निश्चित अपना ध्येय था, वो सफलता की ओर देखने को मिलता है, बहुत कम होता है। और अनुराग जी और उनके सभी साथियों ने मिलकर इस प्रयास को सफल बनाया है, और इस सफल में ही उन्होंने जो जो प्रयास किए हैं, जो जो उनके सामने ध्येय हैं, वो सब दिखाई देते हैं। मुझे लगता है उन्होंने सांसद जो निधि होता है, एमपीलैड होता है, उस एमपीलैड को ठीक ढंग से उपयोग करने वाले अपने देश के बहुत कम ऐसे सांसद होते हैं, उनमें से एक अनुराग जी हैं। इसलिए हम सबको हिमाचल वासियों को उन पर गर्व भी है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास और सभी जगह होने की जरूरत है, ताकि ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों को सफलतापूर्वक मिले। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2018 को प्रयास संस्था के माध्यम से 3 एम्बुलेंस के साथ संसदीय क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी। हालांकि बीच में कोविड-19 की विकट परिस्थितियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद प्रयास संस्था के प्रयासों को विराम तक नहीं लगने दिया। वहीं अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल का यूनिट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, ऐसे में वह हिमाचल प्रदेश में सत्ता पाने के हसीन सपने देखना छोड़ दे। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के निवासियों को बिजली पानी आदि में दी गई रियायतों पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने जब भी कोई घोषणा की है उसे व्यर्थ पर उतारा है, प्रदेश सरकार की योजनाओं से विपक्ष बौखला गया है। कुछ नहीं है जी, जमीन कुछ नहीं, उनका यूनिट ही खत्म है। सब विपक्ष कह रहा है कि जो अभी हमने जनता के लिए जो घोषणाएं की हैं, जनता ने उसका पहले भी स्वागत किया जब 60 यूनिट मुफ्त में दिए, 150 यूनिट मुफ्त में दे रहे हैं। बस की महिलाओं को 50% की राशि माफ़ की गई है, और जो घोषणाएं हुई हैं ये जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए है, जनता के पैसे बचाने के लिए है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। हमने 5 सालों में भी अच्छा काम किया, आगे भी करें। हर घर हर द्वार अस्पताल, एक प्रयास ऐसा शुरू किया था 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जी की जयंती पर, 3 गाड़ियों के साथ शुरुआत की थी कि गांव-गांव में जाकर स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। आज 4 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूँ कि 7 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में जांच, मुफ्त में उपचार करने का काम किया है। इससे लोगों के करोड़ों रुपए की बचत भी हुई है। अगर आप देखें, अगर इन 7.5 लाख लोगों को
अगर पैसे देके उपचार करवाना पड़ता, जो उनका ट्रेवल पर, इलाज पर, जांच पर खर्चा आता वो 25 से 30 करोड़ रुपए के लगभग होता। एक बड़ी बचत हुई है हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को, उनको सुविधाएं मिली हैं, 40 तरह की जांच टेस्ट उनके गांव-गांव जाके किए गए हैं, दवाइयां देने का काम किया है। आज राज्यपाल महोदय ने आकर चौथी वर्षगांठ पर आशीर्वाद दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मई महीने में हम पूरा एक महीना महिलाओं के लिए समर्पित करने वाले हैं और इस एक महीने के अंदर केवल महिलाओं से जुड़े हुए जितने विषय हैं, ब्रेस्ट कैंसर से लेके बाकी जांच उनके लिए की जाएंगी। और ये 32 गाड़ियां जो अब चल रही हैं, हमने लगभग 6400 गांव तक पहुंचने का काम किया है, 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे हैं और हमारा प्रयास है कि आगे इसको और बढ़ाया जाए। विकास के ऊपर तो मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकारें जानी जाती हैं और डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल प्रदेश में मिला है। केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, ये सारी सुविधाओं पर काम किया, पानी की बहुत बड़ा काम हुआ है, सड़कों पर काम हुआ है। लेकिन दूसरी बात मैं भी कहना चाहता हूँ, जैसे आज ये कैंसर मुक्त भारत हो तो उसके लिए हमने एक अभियान जैसे शुरू किया था, उसमें हिमाचल प्रदेश में ये आज इसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जिला ऊना में करने जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इसको जब मैंने शुरुआत करवाई थी ललित गांधी जी के साथ, तो युवराज को इसका हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 600वां कैंप यहाँ पर लग रहा है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 600वां कैंप। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मंडी लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस, दिनांक 25 अप्रैल 4:30 बजे से स्थान सेरी मंच मंडी। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव राष्ट्रपति। डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें